प्रदेश में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही पानी की किल्लत से भी आमजन काफी परेशान है। समस्या इतनी विकट हो गई है कि लोग कई इलाकों में रात से ही पानी पीने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थिति इतनी विकट है कि चार चार दिन से पानी की सप्लाई होती है। राजधानी जयपुर के ही कई इलाकों में लोगों को टैंकर बुलाने पड़ते हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। कांग्रेस ने पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। इस भयंकर भीषण गर्मी में अगर ये सरकार पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकती तो किस बात का सुशासन चला रही है, किस बात की विकास यात्रा, विकास संकल्प यात्रा मुख्यमंत्री चलाएंगी जब उनकी नाक के नीचे प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर पीने की भारी किल्लत मड़ी हुई है। आज हम सब कांग्रेस जन मटका फोड़ आंदोलन चला रहे हैं सरकार की नींद खोलने के लिए। इधर बीजेपी के मंत्री हेम सिंह भड़ाना का कहना है कि प्रदेश में पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं है। राज्य सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत भी भूजल स्तर ऊपर आया है। विपक्ष के हल्ले पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही उल्टा बोलना है। पानी के लिए जितना संसाधन चाहिए उतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपको पता है प्रत्येक विधायक को 100-100 हैंडपंप देकर के ये पानी की सुचारू व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं। और हम आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी के लिए पीएचडी सिंगल फेस हैंडपंप के जरिए नलकूपों के जरिए व्यवस्था राजस्थान में कराई। राजस्थान में पानी की किल्लत हमेशा से बनी रही है और भूजल स्तर का कम जाना भी एक बड़ी समस्या है। भूजल का दोहन पिछले 30 सालों से तेजी से बढ़ा है। राज्य के 203 ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं, बाकी बचे हुए 30 ब्लॉक सेफ जोन में आते हैं और 6 ब्लॉक सेमी क्रिस्टल जोन में। सरकार चाहे पानी की बेहतर सप्लाई के कितने भी दावे करे लेकिन हकीकत उलट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देखिए, वास्तविकता ये है कि प्रशासन पानी का इंतजाम करने में बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। प्रशासन ऊपरी खानापूर्ति कर रहा है, केवल वार्ड में, मोहल्लों में, सभी जगह पर पानी नहीं है। महिलाएं, औरतें, बच्चे पानी के बर्तन लेकर इधर से इधर भटक रहे हैं। रमजान का माह चल रहा है, औरतें दर दर पानी के लिए भटक रही है। 15-20 रोज में पानी की सप्लाई होती है और पूरा मकान है शहर में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हर आदमी को पानी के लिए इधर उधर से भटकना पड़ रहा है। लोग बाग स्वयं के टैंकर से पानी डलवा रहे हैं। जल विभाग पूर्णतः सुस्त पड़ा हुआ है। यहाँ की बात करें अपन कलेक्ट्रेट परिषद की, यहाँ भी वकील लोग कई बार मिल मिलकर पैसे इकट्ठे करके इस बोरिंग के अंदर वाटर का सप्लायर लग रहा हुआ है, इसके अंदर पानी डलवाते हैं। आज पानी के लोगों को सड़क पर खाली बर्तन लेके जगह जगह पानी के लिए घूमना पड़ रहा है। नल की स्थिति यह है कि ये 2 दिन में एक बार पानी देते हैं, लेकिन वो भी 10 मिनट पानी आता है, उसमें भी मुश्किल से एक बाल्टी भर पाती है। हर आदमी पानी के लिए परेशान है। टैंकर महंगे भाव में मंगाने पड़ रहे हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं है। काल नियर का नाम है। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर के मजमून को आपने देखा, हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। राजस्थान में पानी को लेकर के काफी हाहाकार मचा हुआ है और ये पहली मर्तबा नहीं है। जब भी गर्मी आती है तो पानी के लिए इसी तरह की स्थितियां होती हैं और सियासत भी गर्माई है। ये भी मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। जब भी पानी की इस तरह की स्थितियां बनती हैं, राजनीतिक दल इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाते हैं, जनता की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बात सही है कि वर्षों से हमारे यहां पानी की किल्लत है। राजस्थान पानी के उस दौर में है, इसमें कहा जा सकता है कि देश के कई राज्यों में जहां पानी की किल्लत है उसमें से राजस्थान भी एक है। कई जोन है जो डार्क जोन में चले गए हैं। करीब 30 जोन ऐसे हैं जो डार्क जोन से बाहर हैं। 6 जोन ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल पोजिशन में है। लेवल अब यह है कि 90% करीब हम बात करें तो हम यहां जो पानी के जो जोन हैं वो डार्क जोन है। फ्लोराइड की समस्या है, रेगिस्तान का एरिया है। वाटर सप्लाई किस तरह से होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि हमारे जो सिस्टम में कहीं खामी रही है। मैं आपको सारे आप स्क्रीन पर आंकड़े भी देखेंगे कि कितने टैंकर सप्लाई हो रहे हैं, क्या हैंडपंप्स के लिए क्या किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है। अपने स्तर पर जो भी सरकारें कर सकती हैं करते हैं, लेकिन हालात के आगे सरकार लाचार दिखाई देती है, अब हो चाहे पहले हो। सबसे बड़ा लेकिन सवाल यह है कि हम इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी
हमारे यहाँ जो रेशो आ रहा है वाटर रिचार्ज कम हो रहा है और हम चार्ज ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपके पास में रिचार्ज का जो वॉल्यूम है वो काफी कम है और आप जो खपत जो कर रहे हैं वो काफी है, तो इसको आपको बैलेंस करना होगा। बरसात जब गिरती है उस पानी को भी हम सजो करके नहीं रख सकते। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर काफी चर्चाएं की जाती है, जब भी कहीं कोई बात होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, चार दिन अखबारों की सुर्खियों के लिए चर्चा होती है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं इस बात को कि कई सरकारी इमारतें ऐसी हैं जो चाहे तो बड़ी एक मात्रा में पानी इकट्ठा कर सकते हैं और कम से कम अपने लॉन है, दूसरी चीजें उसमें उसका दोहन या उसमें उपयोग में काम ले सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। खैर चले, हम चर्चा करेंगे, सियासत अपनी जगह है, लोगों का आकार अपनी जगह और सरकार की मजबूरी अपनी जगह है, इन सब चीजों का हल क्या हो उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पत्रकार धनीर चंदेल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी नेता आदर्श पांडे हमारे साथ हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं आदर्श जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी भीलवाड़ा में एक दिन पहले ही कुछ स्थितियां की, नल काटने की कोशिश की, पानी सरकार आपको कहां फेल लगती है कि सरकार पानी नहीं पिला पा रही है? भूपेंद्र जी, हम बार बार इसी बात की बात करते हैं कि पानी जो है किल्लत है। आंदोलन जो है चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे और कॉलोनी वासी करें या कोई समाज के और कोई तबका करे, समस्या इस बात की है कि हमने पानी के वाटर लेवल को, जो हम बात करते हैं वाटर टेबल को, रिचार्ज करने के लिए क्या प्रयास किए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जहां राजस्थान में हर कोई इस बात को लेकर परेशान हो रहा है, सारी की सारी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आंदोलनरत भी है इस बात को लेकर के, लेकिन एक ऐसा गांव जो अलवर के पास में है, गांव का नाम है खोहर। ये खोहर वो गांव है जिसमें उसने सहगल फाउंडेशन की मदद लेकर के और आज ये एक उदाहरण पेश किया पूरे राजस्थान में कि जहां पर हम बात करते थे कि पानी की जो है वाटर टेबल जो है रिचार्ज नहीं हो रही है, वाटर लेवल जो है नीचे लगातार जा रहा है या खारा पानी आ रहा है या फ्लोराइड आ रहा है, वो एक ऐसा गांव है जिसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो कई मायनों में सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी था। उन्होंने चेक डैम बनवाए, सैगल फाउंडेशन के मदद से बनवाए, उसमें किसी तरीके की कोई सरकारी मदद या कोई और मदद नहीं थी, और इस मदद सैकल फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने अपने लेवल का अपने गांव में काम किया और आज उस गांव में जल का स्तर जो है लगातार ऊपर आ रहा है और उसमें किसी तरह की जल समस्या नहीं है। ये वही गांव है जिसमें कई लोग जो है उसको पलायन कर चुके थे इस गांव को छोड़ करके, और आज जो है उसमें पूरी तरह से बसावट भी है और पानी का स्तर भी काफी हद तक ठीक भी है। ये तो एक समस्या भी। अब दूसरी एक, आप देखिए, मैं आपको बार बार इस बात को बोलता हूँ कि नेताओं के लेवल पर अगर अपन बात करेंगे तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी पार्टी से अलग हट करके अपना एक विचार ये रखना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां के इंजीनियर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की। क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? मैं पूरी तरह से बोलूंगा नहीं, ठीक है। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 3 जनवरी 2006 में एक मैंडेट आया कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, जो एग्जिस्टिंग इमारतें हैं जो 300 मीटर से ऊपर की हैं, उन सभी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा जो आपकी आंखें खोलने को मजबूर कर देगा कि उन इस लॉ के आने के बावजूद भी राजस्थान रोडवेज, जिसके राजस्थान में टोटल 60 डिपो हैं, उन 60 डिपो में से एक परिवहन मार्ग का मुख्यालय, एक विद्याधर नगर और एक टोंक, इन तीन को छोड़कर के बाकी के 57 परिसरों में आज तक भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। ये अपने आप में द्योतक है कि पूरी तरह से नेग्लिजेंस सिस्टम की हुई है और मॉनिटरिंग सरकारी लेवल पर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, नेग्लिजेंस पूरी तरह से। आपको क्या लगता है कि जो वाटर क्राइसिस यानी कि पानी की जो समस्या है ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी ओर से भी पैदा की है काफी? निश्चित रूप से, आप बताइए ना। इसके अलावा मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एक और मैं आपको उदाहरण पेश करता हूँ इसी बात का
कि कहां किसने बता दिया इस बात को उन इंजीनियर्स को, उन इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटीज को, जिन्होंने ये कह दिया कि जो प्योरेस्ट वाटर है, जो सबसे ज्यादा हमारे को बरसात के पानी को किसी भी पानी नदी के पानी से भी ज्यादा जो है वो प्योर माना जाता है, उस प्योरेस्ट वाटर को हमने डर्टीएस्ट वाटर जो सीवर का पानी है उसके साथ मिलाकर के सीवर लाइन में छोड़ दिया। डबल समस्या समझिए, सबसे पहले तो हमने उस पानी की पूरी तरह से वेस्टेज कर दी, ये जयपुर में भी हो रहा है, ये भीलवाड़ा में भी हो रहा है, ये जोधपुर में भी हो रहा है, ये उदयपुर में भी हो रहा है, सभी जगह पर अगर आप बात करेंगे कोई दो चैनल्स नहीं है जहां से जो है प्योरेस्ट वाटर जो है उसको अलग से लेकर जाया जा सके या जो सीवर का पानी है वो अलग से जा सके। दो समस्या, एक आपने उस सबसे साफ पानी को सबसे गंदे पानी के साथ मिला दिया, एक चीज, और दूसरा ये पानी जहां कहीं भी आगे जाकर के सीपेज होगा वहां पर इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जो मृदा का जो अपन मिट्टी का जो एक वो, ये तो आप एक देखिए दूषित वाटर की बात कर रहे हैं, वैसे भी मैं दूषित की बात करना चाहूंगा कि देश में देखिए कहीं पे भी हो जितना वाटर लेवल नीचे जाएगा उतना ही पानी पोल्यूटेड होगा, उसमें फ्लोराइड है, मिनरल्स का अभाव है, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेक्निकल ग्राउंड पे जा रहे हैं आप कि दो लाइनें एक साथ चल रही हैं, पहले कई तरह की चीजें होती थी कि एक पाइप में इलेक्ट्रिक वायर भी डाल रहे हैं आप, बीएसएनएल की लाइन भी जा रही है, दूसरी ब्रॉडबैंड की लाइनें भी जा रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पानी की जो समस्या है, मूल जो जड़ है पानी की समस्या है फिलहाल, ये तो सेकेंडरी थिंग है कि आपको लाइन बदलनी चाहिए, जर्जर रिश्ते की लाइन है, ये तो एक अलग बात हुई। अभी तो बात हम पानी की समस्या को लेकर के कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में है। सुशील, कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, सरकार का दावा है कि जल स्वावलंबन के बाद स्थितियां सुधरी हैं प्रदेश में, और हेम सिंह बडाना जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, बाबूलाल वर्मा हैं, उनको अभी मैं दावा सुन रहा था कि कांग्रेस के पास बता दीजिए कि उन्होंने अपने वक्त क्या किया था, हम उससे बेहतर करें। सरकार का दावा है, ये हमारा दावा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, कि जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन केवल मटके जो फूट रहे हैं वो केवल कांग्रेस के माध्यम से फूट रहे हैं, बाकी आम आदमी के कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, जो हालात हैं आपके सामने हैं, मीडिया इसको पहले से ही समस्याओं को उठाता रहा है, कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना उनका कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं। जहां जहां पानी की समस्या है पूरे राजस्थान के अंदर, आप देख रहे हैं कि 75% एरिया डार्क जोन में है, और जहां बहुत सी जगह प्रदूषित पानी का, इंडस्ट्रियल एरिया के पानी की समस्या है, जिसकी वजह से नीचे भूजल खराब हो गया है, जैसा भी इंजीनियर साहब ने जो तकनीकी है उन्होंने बताई, सारी जानकारी दी है, और जयपुर जैसी राजधानी जैसी जगह में भी, जो थोड़ा हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे मालवीय नगर हो, क्या जो भारी इलाका है, बगरू का इलाका है, जयपुर में भी पानी की भयंकर समस्या है, राजधानी के अंदर ये स्थिति है। तो भारत, आप देखिए कि राजस्थान की सरकार जो हर मोर्चे पर फैल है, न तो महंगाई को रोक पा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान में छू रहे हैं, न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, तो एक तरफ उन्होंने सीटें देने का वादा किया, सीटें लैप्स कर दी, पद खत्म कर दिए, स्कूलें बंद कर दी, अभी तो पानी तो है, लेकिन हर मोर्चे पर राजस्थान की सरकार फेल है। और पानी की जहां तक बात है, इसरदा बांध बनने की बात थी, उसकी प्रक्रिया जो तेजी से होनी चाहिए थी जयपुर के लिए, चंबल के पानी का उपयोग हमें करने की बात थी, वो 4 साल के अंदर आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर वो कार्यक्रम हो जाता है, वो बांध का काम पूरा होता है या समय शुरू हो जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जयपुर को और जयपुर के आसपास के जिलों को काफी फायदा इसमें होता, जो सरकार की टोटल फेल्योरशिप है। और इस समय जो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो पीएचडी है, वो टोटल पानी सप्लाई के मामले में फेल्योर है। मैं मानता हूं कि सरकार को ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, पूरा मैनेजमेंट करना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा। कांग्रेस विपक्ष में होते हुए अपनी एक जिम्मेदारी जो है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो निभा रही थी, आज हम विपक्ष में है तो जनता के जो प्रतिनिधि होने के नाते जनता के सुख दुख में हम शामिल हैं, और निश्चित रूप से उस बात को हम उठा रहे हैं, चाहे मटका फोड़ के उठाएं, चाहे घेराव करके उठाएं, चाहे धरना देकर के उठाएं, ये सारी प्रक्रिया चल रही है, हमें हमारा काम पूरा कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार फेल हो रही है और इस तरह से ये कह रही है कि कांग्रेस करवा रही है, तो कांग्रेस नहीं करवाएगी तो और कौन करवाएगा? कांग्रेस विपक्ष में है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, और उसकी जिम्मेदारी है विपक्ष की वो सरकार की कमियों को उजागर करें, हम उसको उजागर कर रहे हैं। मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, पानी एक प्रॉब्लम है, सियासत भी कोई नई बात नहीं है, पानी की प्रॉब्लम 1998 के बाद से हमारे यहां काफी स्थितियां विकट होती जा रही, करीब 5.5 मीटर पानी नीचे चला गया, तो एक चिंता का विषय सभी के लिए, राजनीतिक चिंता हो सकती है, पब्लिक को पीने के पानी की चिंता हो सकती है, आपको पानी देने की चिंता हो सकती है, लेकिन तैयारियों का जो दावा है आपको लगता है कि वो पर्याप्त है अभी? नहीं, ये बात तो सही है कि राजस्थान में पानी का विषय है पर्याप्त नहीं हो सकता, आप खुद भी मानेंगे। अल्टीमेटली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी वो यही सोच के चलाई थी, और उसका
परिणाम भी सामने आए हैं कि चित्तौड़गढ़ में 5 मीटर जलस्तर बढ़ गया, ओवरऑल 19 जिलों में उसका प्रभाव देखने को आया, कुछ जगह बढ़ा भी है। आप देखें कि बांसवाड़ा में 8 मीटर पर पानी है तो बीकानेर में 66 मीटर पर पानी है, ये सबसे वेरिएशन इतना ज्यादा राजस्थान में है। तो उसके लिए भी एक तो कंटिंजेंसी फंड की बात होती है कि हमको अचानक जरूरत पड़ेगी, 60 लाख हमारे हैंडपंप है उसमें से लगभग 3.5 लाख हैंडपंप खराब पड़े थे, उनकी मरम्मत की बात की, टाइमली काम किया। और दूसरी बात यह कि 18 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए कि कंटिंजेंसी हर जिले को 50 लाख रुपए दे दिए जाएं, एक्सीन अपने आधार पर उनको चीफ इंजीनियर आधार पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो राहत की बात थी वही हुई, भीलवाड़ा में ट्रेन चलाई 25 लाख लीटर पानी उससे जाता है, एक भीलवाड़ा जिला उससे हम करते हैं। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे बाकी जो पानी के टैंकर हैं उनकी संख्या बढ़ा के 25,000 टैंकर लगभग की गई है। तो ये कुछ हमने जाप्ता लगाया है, हमने व्यवस्थाएं की है, लेकिन ये पक्की बात है कि सब जगह पर बराबर मात्रा में बराबर समय में बराबर एक स्तर का पानी वो मुश्किल काम है, वो राजस्थान में है ही है। आप देखेंगे एक पुरानी कहावत है कि राजस्थान में जितना गहरा पानी है उतना ही गहरा मानुष भी है, वो इसको विपरीत परिस्थितियों में जीता, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस बात को व्यवस्था करते हुए व्यवस्था करी। और यही कारण है कि जल संकट सर्वाधिक कम है। जो मटके फोड़ने की बात है वो कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन भी है कि इतने साल तक भी पानी व्यवस्था नहीं कर सके वो, और उनका कुंठा भी है उसमें, वो मिट्टी का मटका फोड़ सकते। मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए मनीष जी, ये कुंठा हो सकती है, कांग्रेस का अपना मुद्दा हो सकता है, मैंने कहा ना कि देखिए जल पानी की प्रॉब्लम राजस्थान में नई बात नहीं है, मटके फोड़ना भी नई बात नहीं है, वर्षों से ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं। आप लोगों ने भी मटके, आप लोगों ने भी फोड़े मटके, अब ये भी फोड़ रहे हैं, मैं नई बात नहीं मान रहा हूँ, डर नहीं मनीष जी, मैं कह रहा हूँ, मैं सीसी पेट्रोल के बाद इतिहास चढ़ गए मोदी जी के, पेट्रोल का अलग विषय है, पानी का अलग विषय है, की बिक्री बढ़ रही है, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बढ़ रही है, चलो 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 लगाई बढ़ रही है, एक सही झूठे तो वापस आओ, अगर सरकार तेल था परेशान हो रहा होता, सही झूठे लगा ली तौर पर गाड़ी काट ली आपने, गाड़ियां कम कर दी, आप आज गाड़ी खराब की जाती और आज गाड़ी जो हो रही है तो आप झूठे ले रहे हो, हम खुद कहेंगे कि इतना सेकंड चलो जाते साथ और मेरा आपसे मेरे साथ झूठ बता रही थी आपने, जनता को मान लो कि आप ऐसे थे, ऐसे जो मैं लेता हूं तो बात आप कह दी, ऐसे जो मैं लेता हूं तो काम करते हो सबको सारे आप ही नहीं दिया पड़ रही है मनीष, वे छोटे सवाल है करोड़ की एक भी होगी मनीष, एक छोटा सा मैं सर इजाजत मनीष, देखिए एक एक बार रुकिए, मैं पेट्रोल डीजल प्लीज, पेट्रोल डीजल का इश्यू नहीं है, देखिए हम डाइवर्ट हो जाएंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, हम एक मुद्दे से अभी हमारी जो डिबेट है उसको एक ही मुद्दे पर फोकस रखना चाहेंगे, अगर दाएं बाएं होंगे तो फिर सरकार के 4 साल पे चले जाएंगे, अर्थ नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो एक अलग बात हो सकती है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां 4 दिन में पानी आ रहा है, 3 दिन में पानी आ रहा है, मैं नाम गिरा सकता हूं, बताएगा हमारी रिपोर्ट के अनुसार में, तो दुरुस्त कैसे कर सकते हैं व्यवस्था को? बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर 48 घंटे में पानी आता है, 36 घंटे में पानी आता है, ये मैंने आपको कहा, पर ये बरसों से चल रहा है, चूंकि वहां पे जो उसका रिचार्ज है वाटर का वो बिल्कुल नहीं हुआ है, पानी बरसा ही नहीं है, अजमेर रीजन ऐसा हो गया है कि उस समय पहले तक चलता था, अब 20 एकड़ का पानी वो डिमांड कर रहे हैं, निरंतर भीलवाड़ा उसका डिमांड कर रहा है, टोंक कहता है डिमांड कर रहा है, जयपुर की पूरी सप्लाई उससे हो रही है 20 एकड़ की, पहले रामगढ़ खत्म हुआ है, तो अल्टीमेटली रिचार्ज एस्पेक्ट जो है वो कमजोर हुए, तो इसलिए उनकी आपूर्ति एस्पेक्ट भी बदलने पड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए योगेंद्र जी, हमने उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ने नहीं दिया, अगर 36 घंटे में पानी आता था तो बाद में वो 48 घंटे में नहीं हुआ, वो 36 घंटे में आ रहा है अभी। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे धर्मवीर जी चंदेल साहब, धर्मवीर जी अभी दावा किया मनीष जी ने, मैंने जैसा शुरू में कहा कि पानी की किल्लत में बात नहीं है, पानी कितने दिन में आ रहा है, पब्लिक में हाहाकार मचा है, मटकों की लाइन लग रही, ये भी नई बात नहीं है, रेगिस्तान में पानी दूर से लेके आना पड़ रहा है, ये भी नई बात नहीं है, और सरकार का जो दावा है ये भी नई बात नहीं, मटके फोड़ने भी नई बात नहीं, नई बात सिर्फ यहाँ पे यह है कि अभी भी इच्छा शक्ति की कमी है। जयपुर की अगर बात करें, क्योंकि देखिए एक नजीर होती है हमारे यहाँ सिस्टम में देने की, देखिए अमुक वक्त ये सरकार थी या ये ब्यूरोक्रेट्स थे, इन्होंने ये काम किया, आज भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का वायोलेशन होता है क्या, रामगढ़ बांध में पानी की इच्छा शक्ति का आपको नहीं लगता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव है कि वहां तक पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उसका गला घोटा जा रहा है? दूसरी बात, वाटर रिचार्ज के लिए हमारे यहाँ पे क्यों पानी बह करके कभी दूसरी जगह जा रहा है, वहां से समुद्र में पानी जाकर के गिर रहा, उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी कही जा सकती है इसको? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आपके सवाल का मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो मध्यकाल था
उस काल में कवि हुए रहीम दास जी, उन्होंने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये मध्यकाल था, 800 सदी की बात थी, आज हम 21 सदी में जी रहे हैं। उन्होंने उस समय चेताया था कि पानी का कितना महत्व है। आइंस्टीन दुनिया के बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि आने वाला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तब भी हम नहीं समझे। हम उस राजस्थान से आते हैं जहां रेत के धोरे हैं, जहां पानी की किल्लत है, लेकिन दोनों ही प्रमुख दलों की सरकार रही, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन नदियों को जोड़ने की कभी योजना नहीं बनी। यदि नदियों को जोड़ने की योजना बनती तो राजस्थान में ऐसा हाहाकार, ऐसी बदहाल स्थिति, लोग पानी के लिए व्याकुल नहीं होते। हम उस राजस्थान से आते हैं जिस राजस्थान के लिए कहा जाता है कि एक गिलास घी का बिखर जाए, लेकिन एक गिलास पानी का नहीं बिखरना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए। इसके बावजूद हमने पानी के महत्व को हमेशा नजरअंदाज किया है। आज स्थिति यह है कि पानी शुद्ध पी रहे हैं या दूषित पानी पी रहे हैं, हालात इतने बदहाल हैं कि लोगों को बदबूदार रंगीन पानी, मलमूत्र का पानी पीने को अभिशप्त होना पड़ रहा है। इसी राजस्थान की राजधानी जयपुर में अनेक ऐसी मौतें हुई हैं जो दूषित पानी पीने से हुई है, लेकिन हम उनके लिए ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बना पाए ताकि उन लोगों को स्वच्छ पानी, अच्छा पानी, मीठा पानी मिल सके। सबक भी नहीं लेते हैं, जितने दिन चर्चाओं में मीडिया में रहती हैं उतने दिन बस आवाजाही रहती है, उसके बाद में बात भुला दी जाती है कि उस गंदे पानी का क्या हुआ। उस दौर में मुझे इसी तरह याद है कि राज्य के एक काबीना मंत्री थे, वो मरहूम हो गए हैं। उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो आया है वो तो जाएगा। विधानसभा में कहा उन्होंने, विधानसभा में काफी है एक कांग्रेस बीजेपी के बीच विवाद का विषय बना, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जब बरसात आती है उससे पहले जब तेज गर्मी होती है तो उसी समय हम हमारा कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं, उसी समय हमारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। आखिर हम क्यों नहीं देखते कि जो हमारा नकारा हेडपंप है उसकी क्या स्थिति है? हम क्यों नहीं देखते कि जो पानी का बचना चाहिए उस पानी को हम क्यों खराब कर देते हैं? कुछ ऐसे हमें सुझाव इंप्लीमेंट करने होंगे जिससे पानी की बचत हो सके, पानी का संरक्षण हो सके, वो पानी को बचाकर एक नए राजस्थान की ओर हम बढ़ सके। लेकिन ये सब फौरी तौर पर ऐसा हो नहीं पाता। जब गर्मी होती है, तेज लू का अंदर चलता, उसी समय में पानी की क्राइसिस ध्यान आती है और हम खुद प्रयास करने के बजाय इंद्र देवता की ओर देखने लगते हैं कि बरसात आएगी और सब कुछ ठहर जाएगा, सब कुछ थम जाएगा। ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ हमें मजबूती से कदम उठाने होंगे कि किस प्रकार पानी को बचाया जा सकता है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने एक नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है कि हम देश की 14 नदियों को जोड़ेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो चंबल बेसन नदी है उसको जोड़ने का एक कार्य चला है। उसकी डीपीआर भी स्वीकृत हुई है केंद्र सरकार के स्तर पर, लेकिन उसको कब धरती पर आएगी, कब लोगों को लाभ मिलेगा, ये भी कहना बहुत जल्दबाजी है। तो ऐसे में हम सबको, सरकार को विचार करना होगा कि आखिर इस पानी का अपव्यय हम क्यों नहीं रोक पाते। जैसे कई पुस्तकें हैं, कई सारे लोग हैं, हमारे परंपरागत रूप से देखते हैं तो पानी को बचाने के कई नुस्खे थे भारतीय समाज में, छोटे छोटे नुस्खे थे, बावड़ियां लोग बनाया करते थे, पानी का किस प्रकार संरक्षण हो इस पर फोकस रहता था, पेड़ लगाया करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो 21वीं सदी जिस प्रकार दुनिया में आई है तो लोग पर्यावरण से दूर हुए हैं और भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ने से जो हमारा मूलभूत कार्य था, पर्यावरण यदि संरक्षित होगा तो पानी की किल्लत नहीं होगी। जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ से जो बरसात से पानी आएगा वो अधिक जमीन पर, अधिक जमीन के नीचे जाएगा, उसका संरक्षण हो पाएगा और उससे भूजल स्तर ऊपर उठेगा। हम देखते हैं शहर में पूरी तरह कंक्रीट की इमारतें बन गई हैं, वहां पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। दूर दूर तक जो खेत खलियान हुआ करते थे वहां लोगों ने मकान बना लिए हैं। हालांकि सही है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, लोग शहरों से गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हम एक ऐसे जन्मोत्सव पर पेड़ लगाएं, किसी की स्मृति में पेड़ लगाएं। यदि हम पानी को भी खर्च करते रहे, पेड़ों को भी काटते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बहुत ही विकट व विकराल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए कि जब केवल स्लोगन से काम नहीं चल सकता, हमें इंप्लीमेंट करना होगा। और ये बात सही है कि जब तक अगर हम हमारी विचारधारा, हमारी सोच, अगर इसको हम धरातल पर नहीं उतारेंगे तो आपके प्रयासों का कोई मायना नहीं है। केवल एक स्टिकर लगाने से या पंपलेट बांटने से कि पानी बचाइए, आगे बढ़िए, ये सब पानी तभी बच सकता है जब हमारे जेहन में इस बात को उतारा जाए कि
आने वाली बारिश में हमें पानी को स्टॉक करना है, गांव का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। पानी जो गिर रहा है उसको जितना ज्यादा मैक्सिमम हम उसको उपयोग कर सकें, सरकारी इमारतों के माध्यम से करें, प्राइवेट इमारतों के माध्यम से करें, वाटर हार्वेस्टिंग एक अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। महज ये कह दे बनने भर से नहीं है कि छोटा सा टैंक बना, तीन नालों का, उसमें पानी चला गया, कोई अधिकारी देखने जा रहा है तो उसके नायाब अंदाज में दिखा दिया जाता है कि देखे फलाने होटल में हार्वेस्टिंग प्लांट भी है। कहां से हार्वेस्टिंग है उसको देखना तो चाहिए कि पानी कहां से आ रहा है, वास्तव में आप इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। जी धर्मवीर जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नदियों को जोड़ने की बड़ी योजना बनाई। बिल्कुल, कि नदियां जब जुड़ेंगी तो जो पानी का क्राइसिस न सिर्फ राजस्थान में है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो दूसरी सरकार यूपीए सरकार आई उसने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यदि वो योजना आज इंप्लीमेंट होती तो हमें इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, पानी सबकी समस्या है और पानी अगर नहीं होगा तो हमारे लिए सभी के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगे। आज भी अगर हम नहीं चेतने हैं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और कल का जो भविष्य हम जो लेकर के चल रहे हैं, जिसको सोचते हैं कि एक सुंदर सपनों का भविष्य हो, बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब ये तस्वीरें जो कई जगह की आप देख रहे हैं, चार चार दिन से पानी नहीं आ रहा है, वहां पर तीन तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है। 203 जोन डार्क जोन हो चुके हैं, 30 जोन सेफ जोन के रूप में देख रहे हैं, 6 बड़े क्रिटिकल जोन्स में शुमार हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर समय रहते हैं इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी मुश्किल होंगी। और केवल पानी पीने से ये नहीं है कि हम पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, आपको शारीरिक रूप से, आपको प्रदूषण के, ये प्रदूषण हवा का या आप सोचें कि आवाज का, यही नहीं है, ये जितना जमीन में नीचे पानी जाता चला जाएगा उतनी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, पानी उतना ही पॉल्यूटेड होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम प्रदेश में पानी की किल्लत की, केवल बात राजस्थान की नहीं है, देश के कई जिलों में हालात ऐसे ही हैं, कई राज्यों और कई जिलों में इसी तरह की स्थिति है जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती इस मायने में है कि अगर आज हम समय रहते इसमें नहीं ध्यान देंगे तो आने वाला कल हमारा बहुत ही मुश्किल भरा होगा। पीने के पानी के लिए जो हालात का सामना आज अगर किसी गांव में किसी कस्बे में हो रहा है तो लेवल हुआ आपको भी इसी तरह से सामना करना पड़ेगा। चलिए आदर्श, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। हम जी इस पे जाना चाहेंगे कि आखिर हो क्या सकता है। सरकार का दावा है कि हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, यह भी दावा किया जा रहा है कि जल स्वावलंबन अभियान जब से शुरू हुआ है उससे वाटर रिचार्ज हुआ है और वाटर लेवल है उसमें इजाफा भी हुआ है। योगेंद्र जी, कुछ 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की समस्या तो है नहीं है, ये तो जीवन भर की समस्या है। जब तक आप रहेंगे जब तक आपको पानी चाहिए होगा। और फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन के लेवल पर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, चाहे आम आदमी की पार्टी की सरकार आ जाए, निश्चित रूप से जब तक पॉलिसी के लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर काम नहीं होगा, जब तक ये समस्या यथावत रहने वाली है। आप 10 साल बाद बात करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको ऑफिसों में पानी खरीद करके पीना पड़े। आज होना क्या चाहिए था, मैं आपको बार बार इसी बात को बोलता हूं कि इस देश को आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट ज्यादा चलाने लगे हैं नेताओं से ज्यादा, चाहे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी की अपन बात करें। आज क्या वाकई में उसका आईक्यू, उसका इंटेलिजेंस इतना है उस नेता का जो वो इस बारे में बता सके कि नहीं, इस पानी की या इस पर्टिकुलर समस्या की ये हल है। देखिए, होना क्या चाहिए था, पॉलिसी मेकर थे कौन, पॉलिसी मेकर थे आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर राजस्थान की अपन बात करें तो। आज उन लोगों ने जब वो इतने इंजीनियर्स हैं और क्वालिफाइड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, तो क्यों नहीं उन्होंने इस बात को बताया कि साहब ये जो चीज है इसको अपने को इस तरीके से करना है। बार बार या इसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि हमारे को एनजीओस का और एक्सपर्ट जो है, फाउंडेशन चाहे सैगल फाउंडेशन, मैंने एक आप जो चर्चा करी, उनके एक्सपर्ट्स की मदद लेकर के हमारे को इस पे पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सेमिनार्स करने पड़ेंगे और तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसका कहीं भी सॉल्यूशन इस बात का नहीं है कि आज पानी कम पड़ा, अब हम मई में जून में बैठे हुए हैं तो मटका फोड़ देंगे, जो ज्यादा जोर से चिल्लाने से, तमाशा करने से 3 टैंकर 4 टैंकर ज्यादा आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। जब तक वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगी जब तक इसका कोई भी और दूसरा हल नहीं है। मैं आपको पहले भी जो है वो अहोर गांव का जो है उदाहरण पेश कर चुका हूं। आज उस गांव को किसी भी तरीके की सरकारी एजेंसी की जरूरत नहीं है, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, उसको जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके की। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेकडैम बनाना सीख लिया, उन्होंने
उस पानी को जो है संचय करना सीख लिया। नागौर के एग्जांपल लीजिए ना, नागौर में सबको मालूम था कि वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह की जाती है, उनको मालूम था कि जो बरसात का पानी आता है उसको किस तरीके से मुझे टंकी में लगाना है और उसको सेव करना है, पूरे साल उसी काम से पानी आता था। आज सरकारें करती क्या है? इस चर्चा में भी अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के ऊपर बता देगी, कांग्रेस सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले चार साल पांच साल गिना देगी। पर कोई मुझे बताएगा कि 3 जनवरी 2006 का जो नियम बनाया गया था, उस 3 जनवरी 2006 के बाद कांग्रेस की सरकार भी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई, तीन सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन क्या किसी ने भी वाटर हार्वेस्टिंग की मॉनिटरिंग का काम किया क्या? दोनों ही सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। और देखिए, मैं फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सरकार का काम करना नहीं होता, सरकार का काम इस पर्टिकुलर मैटर में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का था। और ये कितना बड़ा फेलियर है कि 60 रोडवेज के डिपो में से 57 डिपो आज भी जिनके पास कम से कम 2 से 3-4 बीघा तक की लैंड होती है सभी सरकारी इमारतें हैं, काफी बड़ी बड़ी निजी इमारतें हैं। हम कहते तो हैं कि इतनी वर्ग गज जमीन के ऊपर अगर किसी का भूखंड है और उसके ऊपर अगर किसी ने मकान बना रखा है तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो करना होगा और कायदे से होना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई वो नहीं है, आप जब मकान बना रहे हैं बहुत ज्यादा इसमें कोई लागत नहीं है, वो पानी आपके काम भी आ सकता है, आप उसको रखेंगे आपके पेड़ पौधे में काम आ सकता है, आपके दूसरे कामों में काम आ सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसलमेर बाड़मेर जैसी जगह में उस पानी को लोग पीने के काम में लेते हैं तो वो पानी हमारे काम आ सकता है। जब आज हालात ये हैं कि रिट्रीट करके ट्रीटेड वाटर आप यूज करते हैं पेड़ पौधों में दूसरे तरीके से, चाहे सीवरेज का हो चाहे दूसरा, उसको ट्रीट करके और फिर काम में लेते हैं। तो अगर ये पानी बारिश का पानी, बिसलपुर में कौन सा पानी है वहां बारिश का पानी है, आपके चंबल में कौन सा पानी है बारिश का पानी है, अगर आप उस पानी को अगर उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं सुशील जी के पास आना चाहूंगा। सुशील जी देखिए, स्थितियां साफ हैं, क्या राजनीतिक दलों को कई बार कई मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी होती है? मैंने कई बार सचिवालय में देखा है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए हमें बैठक बुलानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। क्या पानी पर भी अब राजनीतिक दलों को कुछ इस तरह के मंसूबे क्लियर करने चाहिए कि गर्मी आ रही है या बारिश के पानी को कैसे रखना है, या फिर सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष का काम है कि सरकार की आंख खोलने के लिए मटका फोड़ सके, कानों तक गूंज जानी चाहिए? सिर्फ इसी दौर से गुजरेंगे कि हम कुछ वो विचार करेंगे कि जिससे समाज का भला हो सके? योगेंद्र जी आपका सुझाव अच्छा है। निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान केंद्र दोनों जगह है, ये परंपरा ही खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि विपक्ष को बुला करके इस तरह की बात की हो, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, बल्कि विपक्ष को तो उल्टा ये कहा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, जब जनता की मांग उठाते हैं उसको फ्रस्ट्रेशन बताते हैं और जनता इनको हराती जा रही है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इनके साथ। तो इनकी टोटल फेलियरशिप है। और निश्चित रूप से आपका ये रचनात्मक सुझाव है, इसमें जल की जो समस्या है, मानव की जो आवश्यक पूर्ति जरूरी है, जल है तो जीवन है, और उसको लेकर के अगर सामूहिक रूप से कोई प्रयास हो सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहल तो सरकार को करनी होगी। पहल तो सरकार को लोगों को, विपक्ष के लोगों को बुला करके विश्वास में लेना होगा और अपने कार्य योजना को रखना होगा कि हम ये करने जा रहे हैं, इसमें आप हमें सहयोग करिए और इस तरह से सारा प्लान जो है जनता के हित में हम ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसी कोई चीज अभी तक तो आई नहीं, और आएगी तो उस पर पार्टी विचार करेगी, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक धरने प्रदर्शन और विपक्ष की बात है तो वो निश्चित रूप से जनता के कष्टों को उठाने का काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो करती है, विपक्ष में हम लोग हैं और विपक्ष का जो काम है हम कर रहे हैं, और इसमें मटका फोड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अब तक तो पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा देती, हम तो फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से अनुशासित तरीके से सारा काम करते हैं, लेकिन जो स्थितियां बनी है उसमें सरकार जिम्मेदार है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी को मानना चाहिए, बीजेपी के प्रतिनिधि को इसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से कोई कमी नहीं आएगी, सरकार करने से लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा कि कम से कम ये सुझाव को मान रहे हैं और आगे आने वाले समय में, अभी पूरा एक महीना जो है ये संकट का है और इसमें जनता को बहुत सी पीड़ाएं, राजधानी में जब स्थिति है तो दूर गांवों में दूर दराज क्षेत्रों के अंदर क्या स्थिति होगी, आप नमूना है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, कई कस्बे गांव शहर ऐसे हैं जहां पे पानी की बड़ी समस्या है और मनीष पारिक जी ने स्वीकार भी किया, स्वीकार की बात ये भी नहीं, सामने तस्वीर साफ दिखाई देती है। मनीष जी, इस समस्या का कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। एक हमारी पहल है, हम चाहते हैं कि इसको भी, कई बार ऐसी स्थितियां देखी गई कि अकाल पड़ा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और कोई दूसरा मुद्दा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पानी तो ऐसा एक मुद्दा है कि जिसमें
सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जल स्वावलंबन का जो अभियान मुख्यमंत्री चला रही हैं उसमें भी प्रतिपक्ष के लोगों से बात की जा सकती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप राजनीति ढूंढिए, कुछ भी करिए आपस में, हर मुद्दे पे आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन जनता का जो मुद्दा है इसका सोल्यूशन होना चाहिए। केवल अगर कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी अगर प्रदर्शन करे, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस प्रदर्शन करे, इसे सोल्यूशन नहीं हो सकता। नहीं, वही बात बना होगा, ये जो उसमें सर्वदलीय बात आई थी तो सुशील जी ने कहा कि केंद्र वाले विषय पर भी आप देखिए, जीएसटी पर सर्वसम्मति सर्वदलीय बैठक हुई, उससे पहले भूमि रूपांतरण का जो विषय था जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून की बात थी उसके बारे में भी बात हुई थी सर्वदलीय, ऐसी बात नहीं है। ठीक, सदन को चलाने के लिए जो बात हुई थी वो भी होती है, ये सब वही है। लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर विधायक सदन में बहस नहीं करते और बाहर सचिन पायलट जी के साथ जाके आंदोलन करते हैं, तो ये बात लगती है कि इफ यू आर अ मेंबर टू अ असेंबली तो आपको वहां बोलना चाहिए, वहां सुझाव देना चाहिए, पर वहां क्या है, वहां आप शोर शराबा करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड पर आता है, तो लगता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो बचते हैं। मैंने ये कहा, जहां तक इसका सवाल है तो आप देखिए योगेंद्र जी, मैं उस खुश नसीब दल से हूं जहां पे दोनों काम, जयपुर के बारे में बीसलपुर का पानी लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया था, नदियों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार अटल जी ने किया था, और आप देखेंगे कि जो ये जो चार ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो हम तो इनोवेटिव एस्पेक्ट पे करने वाले हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल स्वावलंबन अभियान है वो भी पूरे देश में नजीर बना हुआ है, तो वो भी हमारी दल से है। तो मैंने आपको कहा कि तीन तरफ के काम हुए, जब रामगढ़ जिंदा नहीं रहा तो बीसलपुर को लाना यहाँ, ये भी बीजेपी ने किया, ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन रामगढ़ सर, आपने खुद ने चर्चा कर दी है, आप अच्छे से जानते हैं बीसलपुर का पानी लेकर क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी है जयपुर की, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत सोचा होगा, अच्छी बात है। लेकिन रामगढ़ को जिंदा करना जिम्मेदारी थी, और रामगढ़ ऐसा एक वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है कि वो उसकी लंबी उम्र है लेकिन हमें देख करके भी उसका वेंटिलेटर हम नहीं उठा रहे। नहीं, अब इसमें भी क्या है, देखिए जो जलवायु परिवर्तन का एस्पेक्ट है, भूजल के जो रेशो है वो चेंज हुए हैं उसके बाद से सर, वो लेकिन वहां नदियों को घोटा गया, नदियों को घोटा गया, झूम नदी जिस ओर से बहती थी उससे खाली नहीं कराएगी, खाली नहीं कराएगी, प्राकृतिक तौर पर रास्ता बदला, झूम नदी है तो अब वो भी चल रहा है, तो वहाँ पानी का वो कम है और अगर उसका एरिया बदलते हैं तो उसके जलस्तर बढ़ सकता है, ये बात भी वैज्ञानिकों ने कही। तो मैं आपको कह रहा हूँ इस विषय पर पर्याप्त काम हुआ था, तब ये बात हुई कि दो तरीके से भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, एक तो वाटर हार्वेस्टिंग से और दूसरा ये है कि जो पानी है उसको वहीं रोक लिया जाए। तो जो एनिकट्स बने थे वो रामगढ़ की जो कारण हुआ था वो भूजल बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, एक तरफ राजेंद्र जी वो भूजल बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उसी से रामगढ़ बढ़ रहा था। तो ये जो परस्पर कंफ्लिक्शन आया उसके बीच में कोई दलों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वहां की तात्कालिक जरूरतें थी, परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप इसमें परिवर्तन हुआ। पर आप इस बारे में, मैं माननीय वसुंधरा जी का आभार सब लोग प्रकट करते हैं कि उन्होंने 5 मीटर तक जल स्तर बढ़ाने का काम किया, और लगता था कि ये तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था आप याद करिए, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा उनका जो बयान था वो डिमोरलाइजिंग था, लेकिन बीजेपी ने उस चीज को अडॉप्ट करके डिमोरलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया और लगातार। 5 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि पिछले 30 साल में करीब 5.5 मीटर जल स्तर डाउन चला गया, 5.5 मीटर तक। आप कह रहे हैं कि जब से आपका जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया है उसके बाद से 5 मीटर के आसपास पानी बढ़ गया है, मैं धर्मवीर जी के पास आना चाह रहा हूँ। आप सबसे ज्यादा 4.66 मीटर बढ़ोतरी का दर्ज की गई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उसकी रिपोर्ट है कि जहाँ पे 21 जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई उसमें चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक 4.66 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो ऐसा नहीं है सब जगह 5 मीटर बढ़ा, लेकिन अभी 2 साल में इतना हुआ है तो इसका मुझे लगता है इसके रिजल्ट पॉजिटिव देखे जाने चाहिए। जी धर्मवीर जी, देखिए मेरे जो एक डिबेट का विषय है ये कोई जरूर नहीं है कि इसमें सियासत वाला बात पार्ट है, मैं जरूर दोनों नेताओं से, तीनों नेताओं से, हमारों से मैं बात करूंगा। मैं यहां सिर्फ वो एक रूट लाइन पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि योजनाएं बहुत सारी हैं, पानी के लिए पाइप खरीदे जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था करने की कोशिशें भी की जा रही होंगी, हमारी तो योजना इतने विलंब से, आज अगर कोई अपने योजना के ऊपर फोकस किया है और वो इतनी विलंब कर देते हैं कि अगली बार जिस जल स्तर से जल स्रोत से आप जोड़ना चाह रहे हैं उसी का पता नहीं होगा। अब रामगढ़ को लेकर के क्या आपको लगता है कि रामगढ़ वापस उसी स्थिति में आ सकता है,
लेकिन इच्छा शक्ति की कमी रही है वर्षों से। देखिए रामगढ़ बांध जयपुर का प्राणवायु था और उन एशियाई खेल इसी रामगढ़ बांध के पर हुए हैं 82 में। लेकिन राजेंद्र को मैग्नेसी पुरस्कार मिला है एनिकट बनाने के लिए, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। राजेंद्र कंफ्लिक्शन जी, राजेंद्र सिंह को दुनिया का प्रख्यात मैग्नेसी पुरस्कार एनिकट बनाने पर मिला है, मूल से राजस्थान के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एनिकट बनाए रामगढ़ में खाली हुए, लेकिन जो रामगढ़ बांध के साथ जब उसका जो एरिया था जहां से पानी बहकर आना चाहिए था उस रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, अतिक्रमण इस कदर अतिक्रमण हुए कि उसका पूरा पानी को रोक दिया गया। पानी पूरे शहर में बरसता है, पूरे रामगढ़ में बरसता है, लेकिन एक बूंद पानी रामगढ़ तक नहीं पहुंच पाता, उस बांध तक नहीं पहुंच पाता। जो उसका बहाव क्षेत्र था उस पर सभी प्रभाव से लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। न्यायालय ने कई बार फटकार लगाई इसको खाली करो। उच्च न्यायालय ने दो वरिष्ठ वकीलों की एक कमेटी बनाई कि आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए, कई विभागों को जोड़ा भी, जिला प्रशासन को उसको मॉनिटरिंग का चार्ज दिया गया, लेकिन जब अपन पूरा अवलोकन करते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं कर पाए, कुछ हो ही नहीं पाया, परिणाम जीरो है। इसी प्रकार राजस्थान में जो नदियां हुआ करती थी, जो जल स्रोत हुआ करते थे, परंपरागत जल स्रोतों को हमने भूल गए, हमें नए जल स्रोतों की खोज करने लगे। ऐसे में हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जो पानी जितना हमें उपयोग करना है उतना ही पानी का हम उपयोग करें। मैं एक किस्सा सुनाता हूं कि राजस्थान के एक पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी से, एक दिन मुझे फोन किया, वो जन स्वास्थ्य इस विभाग से जुड़े हुए थे, जलदाय विभाग से, तो उन्होंने मुझे कहा कि पानी को बचाने के लिए एक नुस्खा बता सकता हूं मैं आपको। मैंने कहा बताइए साहब आप, कि जिस हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो जितना पानी हम छोड़ते हैं उसमें कितना लीटर पानी जाता होगा, तो ऐसे में यह तय किया जाना चाहिए कि इतना ही पानी जाएगा, एक बाल्टी जाएगी या चार बाल्टी जाएगी या दस बाल्टी जाएगी। कंपनियों ने कोई मानक नहीं बना रखा, कोई किसी कंपनी का तो 50 लीटर पानी छोड़ देता है, किसी कंपनी का 20 लीटर पानी छोड़ देता है। ऐसे में हमें ऐसे छोटे छोटे नुस्खों का उपयोग करना पड़ेगा कि कितना पानी जाना चाहिए। हम आजकल जो चार पहिया वाली गाड़ियां हैं जिन फोर व्हीलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना पानी का दुरुपयोग होता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। हम तो हमारी गाड़ियों को धो रहे हैं बल्कि दूसरे हम देखते हैं लोगों को पीने का पानी ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को आज डिब्बा बंद पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। जहां जिस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, आज आलम यह हो गया है कि हमें डिब्बा बंद पानी खरीद कर उसका उपयोग करना पड़ता है। जी क्या लगता है आपको कि कहीं सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए हालात तो हमारे यहाँ पे जो है वो है, देश का 1% पानी हमारे यहाँ पे है और परेशानी का सामना सभी को करना पड़ रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? हल यह है कि राजनीतिक दलों को भी थोड़ा सा इसमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दूसरा जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको भी पानी की बचत करनी होगी। यदि हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो हमें बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा और ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जो आइंस्टीन ने कहा है, हालांकि दुनिया के कई देशों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अरब कंट्री में पानी की बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान भी उससे दूर नहीं है। हालांकि आपने सही कहा कि 1% पानी है, हिंदुस्तान के बड़े भाग में खारा पानी है, ऐसा पानी का उपयोग नहीं कर सकते। कई ऐसे गांव में जहां फ्लोराइड पानी आता है, उनकी मजबूरी है कि फ्लोराइड पीने पानी का उपयोग करते हैं, तो ऐसे ऐसी स्थिति के कारण वहां की जो संपत्ति पैदा हो रही है, मान लो किसी व्यक्ति के पेड़ टेढ़े हैं तो जो उनके बच्चा पैदा होगा वो स्थायी विकृति लिए पैदा हो रहा है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। आज राजस्थान के कई गांव ऐसे, हरियाणा कस्बा है, प्रख्यात कस्बा है, वहां पर जो संतति आती है, जो नई पीढ़ी आती है, वो स्थायी विकृति ली हुई आती है। किसी का हाथ टेढ़ा आता है, किसी का पेड़ टेढ़ा आता है, क्योंकि वो फ्लोराइड पानी है। कई बार सरकार को अवगत कराएगा मजबूत। लोगों वाली बात बताऊंगा कि कुछ इस तरह की जो सर्वे में सामने है कि भारत में 33,210 क्षेत्र ऐसे जिसमें खारा पानी पाया जाता है, जिसमें अकेले राजस्थान में 16,344 है। देखिए 49.20% जो पानी है हमारे राजस्थान में वो पानी खारा पानी है, और इसी तरह से राजस्थान में 18,609 फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि 56% प्रभावित क्षेत्र अकेले राजस्थान में देश का। तो ये तो बात सही है कि हम उस प्रकृति की स्थिति से रूबरू हो रहे हैं कि जहां विकृति भी है। नहीं, लेकिन सरकार भी अपना रोल अदा कर रही है। आप देखिए योगेंद्र जी, हमने उसमें 700 आरओ प्लांट लगाए हैं, 14,000 गांवों में आरओ का पानी आता है, वही फ्लोराइड के कारण। तो वो बीजेपी की सरकार ने अडॉप्ट किया, कांग्रेस सरकार ने 5 पहले से ही चल रहा है, पहले से कांग्रेस सरकार ने 7 आरओ प्लांट लगाए थे 5 साल में, हमने 4 साल में 700 आरओ प्लांट लगाए हैं। तो 700 आरओ प्लांट लगाए हैं तो 14,000 गांवों में उसका फर्क पड़ा है। तो ये जो फ्लोराइड का पानी, ये समस्या तो इस सरकार में लगभग खत्म हुई है।
जी उस आरोप की किसी ने जांच की है मनीष जी, उस आरोप की किसी ने जांच की है कि उसका रूटीन प्रोसीजर है वो, उसमें कुल मिलाकर जो उपखंड क्षेत्र पे एक आरोप एक सैंक्शन किया था, उपखंड स्तरों पर अभी तक आरोप लगाए गए हैं और वहाँ आसपास के गांवों में उसका फर्क पड़ा है। जब फ्लोराइड के पानी है उस जगह पर उसको प्रायोरिटी बेसिस पर किया है, उसकी जो रिपोर्ट आपने अभी पढ़ी है 49% का, उसमें से जो अभी तक 34% इलाका है उसको इन आरओ प्लांट ने कवर किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह ये समस्या खत्म हो गई है, लेकिन जैसे जयपुर में फ्लोराइड का पानी सांगानेर इलाके में था तो वहां पे दो आरओ प्लांट काम कर रहे हैं और उससे लगभग 17 गांवों का फर्क पड़ा है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी कहा कि राजस्थान में ये जो व्यवस्था है, आप ये ट्रैक्टर वाले जो सरकार से भी पैसा ले रहे हैं, जनता से भी पैसा ले रहे हैं, उसको तो रोको। आपसे कम शब्दों में चाहूंगा, बहुत लंबे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ओर हैं, आप एक आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन पहले ही भीलवाड़ा में आपने एक विधायक के पानी काटने की कोशिश की थी आपकी पार्टी के नेताओं ने। देखिए एक विरोध का तरीका तो हो सकता है, लेकिन पानी काटने से, मटके फोड़ने से, रास्ते रोकने से समस्या का सोल्यूशन है कि केवल एक ध्यान दिलाने के लिए कि ध्यान खींचने के लिए हम सब करते हैं? नहीं योगेंद्र जी, अगर इसको अपन शॉर्ट टर्म में बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर बात करते हैं, अगर हमारे को थोड़ी सी लंबे टाइम तक की अगर पॉलिसी चाहिए तो निश्चित रूप से जो भी सुझाव दिए गए हैं वही सुझावों पर अपने को काम करना पड़ेगा। किस तरीके से जो है हम सब जो है भारत जो जितना भी बरसात का पानी है उसका संरक्षण करें, इसके अलावा जो दूषित पानी है उसको किस तरीके से हम शुद्ध करके अपने और लोगों में बात करें। जैसे आप बात कर रहे थे अरेबियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अरेबियन कंट्रीज में जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कि उसको देख करके हम लोग कभी उसके आसपास भी जाने की सोच नहीं सकते। मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं, जब हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि इस बात को बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया, तब कोई ये बताएगा क्या कि उनके जो 40 विधायक हैं उन 40 विधायकों ने अपने इलाके में क्या काम किया उसको लेकर के, क्या उनके उन 40 इलाकों में जो है वाटर हार्वेस्टिंग का जो वाटर का लेवल है वो ऊपर उठ गया कि नहीं उठा। ये निश्चित तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ टीवी पर चर्चा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसको करने के लिए दूरगामी अगर परिणाम आपको चाहिए तो एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, एनजीओस की मदद लेनी पड़ेगी जो इस काम के लिए एक्सपर्ट है। इन लोगों से, हम लोगों से इस बात का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। बिल्कुल, और जो सुझाव सामने आते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि उस पर गौर किया जाना चाहिए। पानी पे चर्चा होती है असेंबली में या पार्लियामेंट में, लेकिन अगर उसके विधियों पे जो वास्तव में सुझाव आते हैं अगर उस पर गौर किया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। सोचिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किए प्रदेश भर में, पानी के लिए मटके भी फोड़े, बिल्कुल जनता के अंदर पानी की परेशानी, आप लोग उनकी आवाज बन रहे हैं, मटके इन लोगों ने फोड़े, आज ये पानी देने वाले हो रहे हैं, पहले कल आज तक आप पानी दे रहे थे ये मटके फोड़ रहे थे, आज आप हो रहे हैं, तो स्थितियां बदली हैं, हालात वही हैं, इसका सोल्यूशन तो कुछ ढूंढे। देखिए प्रशासनिक रूप से सरकार फेल रही है इस मामले में, सरकार क्या कर सकती थी, वैसे कर क्या सकती थी सरकार जिसमें सरकार की चूक हुई है। आप पिछले 15 दिन से 10 दिन से आप देख रहे हैं कि जयपुर में आपका मीडिया सब चीजें दिखा रहा है, जो पीएचडी पानी के टैंकर लगा रखे हैं वो टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं पैसे वो पीडब्ल्यूडी से पीएचडी से भी ले रहे हैं और जनता से भी ले रहे हैं। इस तरह का दोहरी मार, एक इस तरह का धंधा इन्होंने, पानी का धंधा बन गया, पानी ब्लैक हो रहा है एक तरीके से जयपुर में, और जो सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। आप देखिए कि कोई हिसाब किताब नहीं है पीएचडी के इंजीनियरों के पास में कि कितने टैंकर किसके कहां कहां खाली हुए, और लोग सीधे पैसे लेके दे रहे हैं और उसको लिखा रहे हैं सहायता के अंदर, तो सरकारी खाते में जा रहा है पैसे डबल ले रहे उससे ले रहे हैं। तो ये स्थिति है, जो पैसे दे रहा है उसके यहाँ तो टैंकर जा रहा है, जो पैसे नहीं दे रहा उसके यहाँ नहीं जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस के राज में होता था, ये अभी छोड़िए आप कांग्रेस शासन क्या क्या होता था, विपक्ष बैठे ना, हम ये कह रहे हैं कि अभी राज जो चल रहा है जिम्मेदारी उसकी है, अभी संकट जो पैदा हो उसका उपाय तो सरकार को करना है, और सरकार किन की है उनकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगा सरकार समय से ध्यान नहीं दिया? सरकार ने बिल्कुल समय से ध्यान नहीं दिया, इनकी जो नौकरशाही है, इनके जो कर्मचारी हैं, इनकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है टोटली फेलियर है, और इन पर कोई सुपरविजन नहीं है, सब नीरोधंसी बजा रहा, जनता आगे जल रही है, ये स्थिति है, तो बड़े चिंताजनक स्थिति है। सरकार के मंत्रियों को, सरकार बीजेपी के नेताओं को ये देखना चाहिए, ये हम हटके फोड़ रहे हैं तो आप भी जाके एरिया में जाके सुपरविजर करो ना कि कहां टैंक पहुंच रहा है कहां नहीं पहुंच रहा है, तो बीजेपी खड़ी तो भी जिम्मेदारी है, तो आपने आरोप लगा दिए तो बाकी जगह आरोप नहीं लगाए, बाकी जगह तो चलो मनीष जी का जवाब ले लो, आपके आरोप का जवाब ले लो मनीष जी से। मनीष जी, समय रहते सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो चीजें सामने आ रही है उसे सरकार मॉनिटर नहीं कर पा रही है,
अपने योजनाएं बना दी हैं, लेकिन धरातल पर उतरी नहीं और उतरी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से सरकार, ये आरोप है कांग्रेस का कि उस समस्या तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की गई आप लोगों की ओर से। नहीं नहीं ऐसा नहीं, योगेंद्र जी जितने जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा हैं, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो रेगुलर अपने घर पर बैठते हैं और सबसे ज्यादा समस्याएं पानी की आती है, वहां पर तुरंत उनको राहत देने के काम किए जाते हैं, इंजीनियर से बात की जाती है, पानी का प्रेशर बढ़ाना है, जहां बोरिंग की बात हो सकती है, अगर पानी सप्लाई नहीं हुआ तो बोरिंग का पानी जाता है, हैंडपंप से अगर होता है तो वो होता है, उसके बाद टैंकर का रास्ता बचता है, तो अल्टीमेटली चार तरह से पानी की सप्लाई होती है और सब जगह कंटेम्प्रेरी यूजेस उसकी यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो कोई कभी एक दो कॉलोनी में आप चित्र खींच पाते हैं इसका मतलब, और जयपुर में कॉलोनियां आप गिनेंगे तो 17,000 है, तो अल्टीमेटली ये कुछ लेवरेट उस पर होता है, कच्ची बस्तियों में लोग आके बसते हैं और उसको उस समय वहां पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है, बाद में नेताजी पर दबाव आता है तो पानी की लाइन डलती है, अल्टीमेटली वो जो कोई रहवासी थे, पूरी दिल्ली रोड इन्होंने बसाई है कांग्रेस वालों ने, तो वो वहां भी हुआ है, भट्टा बस्ती बसी है, तो उसके बाद सड़कें बनाई इनके पार्षदों ने जाके, तो अल्टीमेटली यही कहने की बात है कि वो जो बेतरतीब बसावट है उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो एक मानवीय त्रासदी है, उसको भी ठीक करने की कोशिश की है, वो टैंकर उसका रास्ता है, और इसीलिए टैंकर चूंकि दो टैंकर जाएंगे तो एक साथ 400 लोग पानी लेने आएंगे तो मटकों का चित्र तो बनते ही है, लेकिन पूरी उस पे आप 14,000 कॉलोनियों में से चार चित्र खींच पाते हैं तो ये तो अल्टीमेटली बाकी जगह तो हो ही रहा है 99%, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अभी भी आप दावा कर रहे हैं 99% जगह पानी की दिक्कत नहीं है, त्रासदी नहीं है, लेकिन जो सप्लाई टाइम है वो कुछ कम लग सकता है किसी को, मतलब जी आप दावा कर रहे हैं कि 99% जगह पे पानी की दिक्कत नहीं, आप ये दावा कर रहे हैं, नहीं तो चार जगह उपस्थित है और कुल मिला के वो अलग बात है, लेकिन ये पक्की बात है, नहीं मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, आपने कहा चले मेरे छोटे से सवाल धर्मवीर जी देखिए पानी पे सियासत और सरकार हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहती कि इसे स्वीकार करनी करना चाहते कि हालात खराब हैं अभी प्रदेश में। मुझे लगता है कि दोनों दलों की सरकारें मुख्य रूप से पहले तो खामोश रहती है, फिर इंतजार करती है मानसून का कि मानसून आएगा और समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि मानसून का इंतजार करने के बजाय पहले से प्रयास करना चाहिए किस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो कि पानी के लिए किल्लत हो, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो जो अपन मानसून का जो जिस तरह बेसब्री से इंतजार करती है सरकारें, जो ये रोग लगा इस रोग को समाप्त करने की आवश्यकता है जी। और मानसून का जब इंतजार इतना करते हैं तो जैसे कि मेहमान की नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं, मेहमान का इंतजार करते हैं, मानसून को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसकी यादों को धूमिल नहीं होने दें, आप उस पानी को सजाने की कोशिश तो करिए। खैर चलिए, मैंने जैसे पहले कहा कि नया कुछ नहीं है, हालात तो ये कैरेक्टर बदले हैं, लेकिन अब नया कुछ करना है तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको पानी की समस्या का हल कैसे कर सकते हैं, ना केवल सरकारों के भरोसे रहें, आप आए दिन सफलता की कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग बताते हैं कि पानी के लिए गांव में किसी एक्स सर्विसमैन ने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, तो कुछ ऐसे काम आप भी करिए अपने गांव के पानी के लिए, अपने पानी को बचाने की कोशिश करिए। हम पहल करते हैं आप लोगों से, एक सुझाव के नाते आप लोगों से सलाह देते हैं कि पानी अमूल्य है और आप इसे सजाने की कोशिश करें, आप इसको बनाए रखें तो मुझे लगता है कि आपका कल का भविष्य बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर बस इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।